जनपद संबल के ग्राम धनारी निवासी पीड़ित परिवार का इंसाफ की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जारी अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। याद दिला दें कि संबल के ग्राम धनारी निवासी पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति ने उस वक्त अपहरण कर लिया जब वे संबल से मुरादाबाद के थाना मंझोला अंतर्गत काशीराम नगर में अपनी नानी के घर आई हुई थी। 7 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक उनकी पुत्री का पुलिस द्वारा कोई सुराग नहीं लगाया गया, जिसमें लगातार बेचैनी बढ़ रही है। अपनी नाबालिग पुत्री को बरामद किए जाने एवं अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार बुधवार से यहां कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया। बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML एवं जीविका बचाओ आंदोलन समिति ने संयुक्त रूप से अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की और पीड़ित परिवार के साथ दोनों संगठनों के शीर्ष नेता धरना स्थल पर भी बैठे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित परिवार को अपना समर्थन देने वाले जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट एवं भाकपा माले नेता रोहिताश राजपूत ने संयुक्त रूप से बताया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष मंझोला मुकेश शुक्ला धरना स्थल पर भी पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत करके उन्हें आश्वासन देकर धरना समाप्त करने को कहा, लेकिन धरने पर बैठे लापता युवती की मां कुमकुम ने धरना समाप्त करने से साफ इनकार कर दिया। मैं भाकपा माले का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का जिला प्रभारी हूँ और आज हम कल भी यहाँ पर आए थे। ये पीड़ित परिवार आज दूसरा दिन है यहाँ धरने पर बैठा है। 7 माह से इनकी पुत्री का अपहरण हुआ है और मझोला पुलिस ने इसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, महिलाओं को न्याय मिल रहा है, और हम कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो गुंडे और अपराधी हैं उनको योगी सरकार का समर्थन मिल रहा है, योगी सरकार का समर्थन मिल जाता है, पुलिस का समर्थन उनको मिल जाता है और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा। उसी कड़ी में इस परिवार को 7 महीने से न्याय नहीं मिल पा रहा, इनकी लड़की को मुरादाबाद पुलिस मझोला पुलिस बरामद नहीं करा पा रही है और उन गुंडों को उन अपराधियों को जो मुहाका चौक के इंचार्ज है वो संरक्षण दे रहा है और संरक्षण दे करके इन लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि हाँ तुम उठ जाइए, तुम चले जाइए, हम जो बरामद करा लेंगे। 7 माह से कहाँ सो रहे थे ये लोग जो अब टीमें बना रहे हैं, और जब से टीमें नहीं बनी हैं परिवार ने ऐलान किया है कि जब तक हमारी बेटी बरामद नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तो आज हम इनको समर्थन कर रहे हैं, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस धरने पर हम बैठेंगे अगर तत्काल ये गिरफ्तार नहीं हुए और मझोला जो काशीराम पुलिस चौकी इंचार्ज है उसको तत्काल वहाँ से बर्खास्त किया जाए क्योंकि वो अपराधियों से उसकी साठगांठ है, इसने लड़की को बरामद नहीं करा पा रहा। तो हम धरने का पुरजोर समर्थन करते हैं और जरूरत पड़ी तो हम अपने संगठनों को लेकर इस धरने पर बैठेंगे, पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। हरकिशोर जी, आज के संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा, क्या समर्थन दिया गया? देखिए, ये 13 वर्ष की नाबालिग बेटी काशीराम नगर से 7 महीने पहले गायब हो गई, उसका अपहरण कर लिया गया जबरदस्ती। 7 महीने से आज तक थाना मझोला पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार, उसके माँ बाप, भाई बहन सभी लोग यहाँ कल से मजबूर होकर यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस की जो ये कार्यप्रणाली है, पुलिस ने आज तक उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जो उस बच्ची का अपहरण करके ले गया है। इनको झांसा दे रहे हैं, सभी अधिकारियों से ये मिले हैं, लेकिन कल से ये भूखे प्यासे रात दिन मच्छरों में यहाँ बैठे हैं। बरसात हो रही है, गर्मी का मौसम है, लेकिन इतनी बड़ा महकमा होने के बाद भी अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये यहाँ से उठ जाएं। लेकिन हम समाज के लोग, हमारी जीविका बचाओ आंदोलन समिति, भाकपा माले के कार्यकर्ता और तमाम शहर के सामाजिक संगठन इन पीड़ित परिवार का समर्थन करते हैं। हम इसका समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं जिला प्रशासन को और ख़ासतौर से पुलिस प्रशासन और जो मझोले की पुलिस है और ख़ास तौर से जो काशीराम नगर का जो चौकी इंचार्ज है, वो अपराधियों से आज से नहीं लंबे समय से मिला हुआ है, वो साठगांठ किए हैं। आखिर क्या वजह है कि 7 महीने से उस बच्ची की अगर हत्या हो गई हो, क्या होगा? झांसा दे रहा है पीड़ित परिवार,
आता है, संभल से आता है, लेकिन वो रोज जो है नए बहाने मिलाता है। तो हम यहाँ इनका समर्थन करने के लिए आए हैं, हमने समर्थन यहाँ पत्र दिया है और हम प्रशासन को दोबारा ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लड़की की बरामदगी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो मुरादाबाद के तमाम संगठन इस धरने का, प्रदर्शन का, पीड़ित परिवार का पुरजोर समर्थन करेंगे और हम भी धरने पर। कल एसपीसीडी खुद यहां पर आए थे, उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि हम एक दिन का साथ, एक हफ्ते का समय भी दिया गया है, तो फिर देखिए वो बार बार समय ले रहे हैं, कभी चार दिन का समय लेते हैं, कभी पाँच दिन का समय लेते हैं, सात महीने का समय हो गया, लड़की की क्या स्थिति होगी ये पीड़ित परिवार से पूछो। उनको रात में नींद नहीं आती, वो उनके जो दादा हैं वो मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में कैसे बैठा रहेगा। उच्च अधिकारी द्वारा तो मामले की जांच की जा रही है, उच्च अधिकारियों से ये सात महीने से मिल रहे हैं, सारे अधिकारियों के जानकारी में ये मामला है, सात महीने से क्यों नहीं कार्रवाई की, आखिर इन्हें क्यों बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। ये है कानून व्यवस्था, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा, ये है। योगी जी रोज ढोंग करते हैं, इधर भाषण देते हैं उधर भाषण देते हैं कि अपराधी भाग गए यहाँ से, ये अपराधी कहाँ चले गए, ये कौन सा अपराधी है, ये यहाँ तब तक जारी रहेगा, ये तब तक जारी रहेगा। ये पीड़ित परिवार ने ऐलान किया है कि हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें तो रात में वहाँ भी नींद नहीं आती है, हम बच्ची की स्थिति को सोच सोच के जो है इनका दिल दहल जाता है, ये रो रही है यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक अगर बरामदगी नहीं होगी ये जाने वाले नहीं है।